केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी की खेती के लिए अल्मोड़ा में पायलट प्रोजेक्ट बनाने की बात कही है। अल्मोड़ा में अपने घर पहुंचे टम्टा ने कहा कि हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी से रेशा निकालकर इससे कटाई बुनाई कर मार्केट भेजने की बात कही। हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी की खेती हाई एटीट्यूड क्षेत्रों में की जाती है, जिसको देखते हुए उन्होंने भी अपने घर में हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी की खेती कर इसे उगाया है। टम्टा ने कहा कि प्राकृतिक फाइबर देने वाला ये पौधा मजबूत और टिकाऊ फाइबर कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उत्तराखंड में किसानों को हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इससे किसानों को कई तरहों से फायदा भी पहुंचेगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। रेमी पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे नेचुरल फाइबर पर काम कर रहा हूँ। इसमें हमने एक हिमालयन ऑर्गेनिक रेमी जो की खुद मेरे घर के अंदर ही मैंने घर के खेतों पे ही इसको लगाया है और काफी टाइम से मैं इस पे रिसर्च भी कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। मेरे कुछ साइंटिस्ट मित्र हैं, उन लोगों के सहयोग से भी हमने इसको काम किया है। ये रेमी का रेशा है, ये रेशे को हम इसके अंदर फाइबर है, इस फाइबर पे इस खेती पर भी बहुत सारी जगह खेती करते हैं लोग, नॉर्थ ईस्ट में भी खेती करते हैं। क्योंकि ये मॉइस्चर लेता है तो इसलिए ये हिमालय मतलब हाई अल्टीट्यूड पर ही ज़्यादा अच्छा होता है और जितना हाई अल्टीट्यूड में होगा उतना फाइन रेशा इसमें निकलेगा। और ये फाइन रेशा निकलने के बाद हमने इसकी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को करने के बाद पहली बार इतना फाइन फाइबर हमारा निकला है जो कि कपड़ा बनाने के लिए, हर प्रकार के कपड़े के लिए सबसे बहुत बेहतरीन है। और ये होलो फाइबर है और होलो फाइबर होने के कारण से जो ठंडी क्लाइमेट में जो हाई अल्टीट्यूड में लोग रहते हैं उनके लिए भी ये कपड़ा अपने आप में बहुत गर्मी के लिए अच्छा रहेगा। और भी बहुत सारे मेडिकली हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये आने वाले टाइम में चूँकि ये खेती है, ये साल में दो बार हमारे किसान भाई काट सकते हैं। इसके पत्ते में बहुत हाई प्रोटीन होता है और ये गाय भैंस और हमारे जानवरों के लिए बहुत अच्छी डाइट है और इससे स्वस्थ और दुधारू बढ़ता है हमारे जो गाय भैंस है। और उसके रेशे से हम जो है अपना कपड़ा बना सकते हैं। अब ये मैंने पायलट प्रोजेक्ट किया है और मेरे साथियों ने भी किया है और इसको अब हम प्रोसेस पे हम आ गए हैं, इसलिए मैंने आज प्रेस भी किया कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है, मगर अब हमारा सक्सेस अच्छा रेट है। अब इसको हम अल्मोड़ा में कहीं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक इसको स्थापित करेंगे, यहीं इसको हम डिगमिंग करेंगे, यहीं इसकी प्रोसेसिंग करेंगे, इसी में स्पिनिंग करेंगे, यहीं वीविंग करेंगे, यहीं से नीटिंग करके इसको डाइंग बना करके आगे को मार्केट कर सकते हैं।